फिल्म के बारे में तो सर बता देंगे, कैरेक्टर के बारे में मैं बताता हूँ कि मैं सिकंदर खान एडवोकेट, बहुत ही ईमानदार वकील और बहुत ही पावरफुल वकील, और जिस लड़के का मैं केस लड़ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही इनोसेंट है और उसने ये नहीं किया है, और मैं पूरी ताकत लगाता हूँ उसको बचाने की और मैं उसको बचा के निकाल रहा हूँ। ये मेरा कैरेक्टर है, बहुत ही बहुत ये फिल्म होने वाली है एक्चुअली ऐसे सेक्शंस पे जिसका यूज़ भी होता है और मिसयूज़ भी होता है, तो उस सेक्शन को हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी पिक्चर में वो मिसयूज़ होता है। लेकिन जितना मर्जी सख्त सख्त कानून बन जाता है, जितना मर्जी फांसी की सज़ा का प्रावधान हो जाता है, क्राइम नहीं, लेकिन उससे क्राइम ना रुकता है और ना रुकने वाला है। ज़रूरी है कि इंसान की मानसिकता को बदला जाए, जब तक इंसान की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक जितने मर्जी आर्टिकल्स आ जाएँ, जितने मर्जी कानून बन जाएँ, अगर आज कानून बनता है तो उसके तोड़ने वाले पहले पैदा हो जाते हैं। तो मोस्टली जो है, ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे लोग मिसयूज़ करते हैं, बट इसका मिसयूज़ भी होता है, जो कि हम अपनी पिक्चर में वेब सीरीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मिसयूज़ हुआ। और बाकी आप वेब सीरीज में देखिएगा। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में, उसमें भी कहीं कहीं मतलब कुछ फ्लेवर ऐड किए गए इस वेब सीरीज में, या फिर कैसे, मतलब पूरा फिक्शन है या फिर इसमें से कुछ इंस्पिरेशन ली गई है या फिर कुछ तरह की कहानी है, अगर उस बारे में कुछ आप बताएं, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में दिल्ली में, कहानी आज के करंट अफेयर पर ही है, करंट टॉपिक पर ही ये कहानी है। ये बिलोंग करती है, सच्चाई के करीब है, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसे हादसे आते हैं, नज़र भी आते हैं, पब्लिक में भी आते हैं, मीडिया में भी आते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, और हमने उसको एक हल्का सा प्रयास किया है। मतलब किस तरह से लोग रिलेशन को मतलब करते हैं ना, कि एवरी टाइम बॉय इज़ नॉट रॉन्ग, बट जो हमारे कानून हैं, जो हमारे लॉज हैं, उसके अंदर रेप का नाम आते ही उसको इस कदर बदनाम कर दिया जाता है, इस कदर उसकी रेड़ पीटी जाती है कि जैसे उससे बड़ा कोई गुनाह हुआ ही नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसमें भी मिसयूज़ होते हैं, तो जब तक अनटिल और अनलेस कोई एक्यूज साबित ना हो जाए, जो कि मिस्टर सिकंदर खान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वेब सीरीज में, कि वो जो एक्यूज़ है जो सच है वो सामने आया, दुनिया के सच सामने आया, और इन्होंने इनोसेंट हो जो और जो कल्प्रेट है वो कन्फेस करे। सर, एज अ लॉयर आपने इसमें प्ले किया, तो मतलब क्या मुश्किलें, क्या चैलेंज लगा आपको, और जैसे सर ने कहा कि हमेशा बॉय जो है मतलब दोषी नहीं होता, तो उस चीज़ को आप कितना सही मानते हैं कि जो हमारे देश में जिस तरह की करंट आगे बढ़ रहा है? क्या है कि हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, मैंने ये देखा है कि परिवार भी है तो भी इस्तेमाल कर रहा है अपना फ़ायदा देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो ये नहीं देख रहा कि हमारे इसके साथ क्या रिलेशन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यूज़ कर रहा है, उसको लगता है मुझे आगे बढ़ना है, अगर ये इसको इस तरह से इस्तेमाल करके करें तो हो सकता है, लेकिन ये गलत है जो हमने इसमें दिखाया है, और फिर हम उसे साबित करते हैं कि ये गलत है, जो हुआ ये सही नहीं। देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है वो तो आप मित्रों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितनी अवेयरनेस लाते हैं आप उससे, कितना मीडिया में स्प्रेड आउट होता है, कितना पब्लिक अडॉप्ट करती है। हमने तो एक कोशिश कर दी, कोशिश की है, लेकिन क्या वो अडॉप्शन पब्लिक में जाती है, वो रिलेट करते हैं अपने आप को कि इस कंसेप्ट के साथ वो पब्लिक है, ये चीज़ जो हो रही है ये आज कई जगह पे हो रही है और कई केसेस में होती है। अगर पब्लिक अपने आप को रिलेट करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी हमने जो कहा है वो, हम ये नहीं कहते कि हमने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कुछ प्रयास किया है कि जो हम बता रहे हैं वैसा भी होता है,
थैंक यू। और पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाला है जैसे हम देख रहे हैं, तो जिस तरह का करंट सिनारियो चल रहा है हमारे देश में, तो क्या उस टॉपिक पर बात करेगी ये फिल्म या फिर किस बारे में, अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को? ये जो फिल्म है IPC 376 जैसे नाम से ही मालूम है, थोड़ा सा बहुत अच्छी फिल्म बन रही है ये। और जैसा कि मैं आप देख रहे हैं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस में बैठा हुआ हूँ आप लोगों के सामने, इंस्पेक्टर रोल कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरे करेक्टर का सवाल है, मैं तो जो इंस्पेक्टर की जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी करता हूँ कि भाई जो केस आया है तो हमको उसको कोर्ट के सामने पेश करते हैं और उसको दोषी करार देते हैं। जब हमसे नहीं होता तो हमको कोर्ट में उसको ले जाना पड़ता है। बेसिकली तो, एक स्ट्रॉन्ग औरत की कहानी है जो कोर्ट के सामने आकर अपने ऊपर हुए रेप के बारे में बता रही है और उसके ऊपर कैसे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है, कैसे सच्चाई सामने आती है, क्या होता है, बेसिकली उसके ऊपर ही पूरी कहानी है। इट इज़ गिविंग अ मैसेज टू द सोसाइटी। आपके किरदार के बारे में बताइए, आप डिफेंस करने वाली हैं? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, तो मैं रिया सिंघानिया की लॉयर हूँ। मैं उनके सपोर्ट में केस लड़ रही हूँ और मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमारा कैरेक्टर रवि जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिसने वो रेप अटेम्प्ट किया है, तो मैं उसको पूरा दोषी करार करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं जिस दे देती हूँ, मेरा पास्ट ऐसा है कि मैं कभी रवि जो हमारे कैरेक्टर है उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, और उन्होंने मुझे धोखा दिया था, तो मेरा उनके ऊपर गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं मैं सच्चाई को इग्नोर कर देती हूँ कि क्योंकि मेरा उन पर गुस्सा है, तो मैं सिर्फ उन्हें दोषी मान लेती हूँ मन में, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो ये किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। बट सच्चाई हमेशा कुछ और ही होती है, पर वो तो जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़, जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है। बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, तो देखने वाली ऑडियंस को बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया आजकल काफ़ी वास्ट हो गया है, काफ़ी खतरनाक भी हो गया, तो आपको लगता है कि ये वेब सीरीज़ जो है लोगों तक पहुँचेगी और अवेयरनेस फैलेगी लोगों में, उस बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली, जिस तरह से वेब सीरीज़ की फिल्में बन रही हैं और लोगों तक पहुँच रही है, और ज़्यादातर लोग जो आजकल वेब सीरीज़ देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मीडिया है, आज हमारे हर हाथ में, हर इंसान के हाथ में मोबाइल होता है, इंसान के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी फैलता है। तो एक तरह से ये सोशल मीडिया का काम भी है, और कि भाई सच्चाई को सामने लेके आना और हकीकत बताना। तो आज हमारे यहाँ बहुत जल्दी कहीं पर हिंदुस्तान में, दुनिया के कहीं पर किसी भी कोने में कोई ऐसी वारदात होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाता है। तो बहुत अच्छी बात है ये एक तरह से, तो अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है कि हर इंसान को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, किसने क्या कहा और गलत कहा, सही कहा, उसका फैसला भी होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, संविधान को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ होनी चाहिए और सच्चाई जो वो सामने आनी चाहिए। अब जैसा मेरा इंस्पेक्टर का रोल है, तो मुझे, हमें ऐसा लगता है कि जो भी अगर कोई रिपोर्ट आती है, चार्जशीट होती है, या हम FIR लिखते हैं, तो हमारा ये काम होता है कि भैया ये मुजरिम है, लेकिन उस वो वाकई मुजरिम है या नहीं, ये तो कोर्ट ही साबित करता है, अदालत में फैसला होता है। और ये जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, या फिर डिफेंस के जो वकील होते हैं, वो ये तय करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही सशक्त स्क्रिप्ट है, ये बहुत अच्छी जानदार स्क्रिप्ट है जिसको लेकर कि ये वेब सीरीज़ बन रही है। डायरेक्टर तनवीर है, अनिल खन्ना प्रोड्यूसर हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं खन्ना साहब, जो एक जज का भी रोल कर रहे हैं, एहसान भाई हैं वकील का रोल कर रहे हैं, हमारे एक और प्रोड्यूसर LP भाटिया सर, हाँ, जो आ जाएंगे। इस तरह से आज ये फिल्म की शुरुआत हुई है, तो हम बड़े ही मतलब सच्चे दिल से, ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं। तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, और आपसे भी ये उम्मीद होगी कि इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें कि एक ऐसी भी फिल्म बन रही है ना, तो जिससे लोगों को मालूम हो सके। और जिस तरह से हमारे यहाँ सोशल में, हमारे समाज में जिस तरह से बुराइयाँ फैली हुई हैं, रेप हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्या उसका रीज़न है, तो वो उसकी सफाई हो और हम एक अमन चैन से, और हमारी बच्चियाँ, हमारी औरतें, हमारी लड़कियाँ, हमारी महिलाएँ जो हैं सुरक्षित रहें, और ये देश में एक संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से ये देश चले,
और ऐसे ही चलता रहे और सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएं, ये सारे बलात्कार ख़त्म हो जाएं और सब अमन सुकून के साथ रहें और बहुत ही आज़ादी के साथ हमारी बच्चियां शहरों की गलियों में और शहरों में दुकानों में आ जा सकें और उनके दिल से खौफ ख़त्म हो जाए, डर ख़त्म हो जाए कि हमारे साथ कुछ बुरा तो ना हो। थैंक यू। सबसे पहले जो वेब सीरीज है सेक्शन 376, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं? सी इसमें जो आजकल चल रहा है आईपीसी 376 में रेप एंड अदर थिंग्स, सो जैसे कि अभिमन्यु और गुरलीन हस्बैंड वाइफ निभा रहे हैं और मैं इसका बेस्ट फ्रेंड निभा रहा हूँ जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि गुरलीन का रेप किया है, बल्कि वो इन लोगों की तीनों की आपस की मिली वक़्त है। सो अच्छी है और काफ़ी ट्विस्ट है वेब सीरीज में जो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। सोशल मीडिया पर है ये, तो आजकल सोशल मीडिया काफ़ी वास्ट हो गया, तो आपको लगता है कि एक मैसेज देगी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे होगा वो वेब सीरीज सब लोगों को? बट ऑब्वियस बहुत ही ज़रूरी है इस टाइप की अगर मूवीज़ बनती, वेब सीरीज़ बनती हैं देखने में। लेकिन अभी वेब सीरीज़ की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी वेब सीरीज़ जो है ना ओपनली अभी इंडिया में इतना ओपन जो वेब सीरीज़ बन रही हैं आई डोंट थिंक मैंने इससे पहले कभी देखा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन टर्म्स की आपने बात की और जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है अभी, करंट सिनेरियो, तो उसको लेकर किस तरह की बात की गई है, क्या कोई इंस्पिरेशन है या फिर मतलब एक फिक्शन स्टोरी बनाई गई है अगर उस बारे में? नहीं नहीं ये बट ऑब्वियस एक इंस्पिरेशन है और आजकल जो एक्चुअल में हो रहा है रियल लाइफ से ही उठा कर ये बनाई गई है कि किसी के ऊपर भी कोई भी चलते फिरते रेप केस लगा रहा है आजकल। और अब आप देखेंगे जहाँ तक कि अभी जो लॉ निकला है कि पहले ऐसा लॉ था कि आप फटाफट अगर किसी लड़की ने केस किया तो आप उसके ऊपर नॉन वेलेबल ऑफेंस था, लेकिन अभी भी पुलिस ने भी बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए क्योंकि 22,000 कुछ केसेस हुए थे जिसमें से 21,000 समथिंग फॉल केसेस थे। सो ये एक अच्छी चीज़ भी है। सर सबसे पहले तो एज ए कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया, क्योंकि जिस तरह का करंट सिनेरियो चल रहा है लोगों तक ये कहानी पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, तो कैसे सोचा आपने और क्या इंस्पिरेशन थी अगर उस बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताया? अगर आज आप देश की हालत देखें तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ कि बच्चों के साथ भी रेप हो रहा है और मतलब दिस इज़ बिन अ काइंड, मतलब हर जगह पे यही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम लोगों ने इसका एक दूसरा पहलू भी बताया है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो आप उसको किस तरह टैकल करें। जैसे कि इसमें है बिजनेसमैन जो राहुल बिजनेसमैन का जो अभिमन्यु जी प्ले कर रहे हैं और गुलिन जी उनकी वाइफ प्ले कर रही हैं रिया जी, तो जब एक वाइफ का रेप होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड करता है तो किस तरह से ये कैरेक्टर लास्ट तक उसको बचाने के लिए और उसको इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह सिस्टम से लड़ता है, किस तरह मीडिया से लड़ता है, क्योंकि अगर आज छोटी सी भी बात कहो तो मीडिया में उसका हंगामा मच जाता है और अगर कोई पॉपुलर पर्सनालिटी है तो वो बहुत ही आसान रहता है किसी को भी टारगेट करना। तो हम लोगों ने इस चीज़ का दूसरा पहलू भी बताया है कि हो सकता है कि आपका देखने का नज़रिया ऐसा हो कि आप जिस चीज़ को, जैसे कि कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू वो होता है जो आपको जब सिक्का नीचे गिरता है तो वो पहलू दिखाई देता है और एक पहलू वो होता है जो आपको नहीं दिखाई देता, तो हम लोगों ने उस पहलू पर रोशनी डालने का थोड़ा सा ये क्या है। बाकी अभिमन्यु जी राहुल का बिजनेस टाइकून का प्ले कर रहे हैं। सर आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए और किस तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ी और क्या इंस्पिरेशन ली थी आपने जैसे? अब देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग आज फर्स्ट डे है शूट का, तो अभी तो मुझे कैरेक्टर अपना डिस्कवर करना है, पर जैसा तनवीर ने मुझे बताया तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और काफ़ी शेड्स हैं, मतलब ये कैरेक्टर जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, हालांकि ये काफ़ी फेथफुल है अपनी वाइफ को लेके और उसको लास्ट मोमेंट तक डिफेंड करते रहता है, मगर कहीं ना कहीं इसके ईगो को ठेस तो पहुँची है इसके बेस्ट फ्रेंड ने जो इसके साथ किया है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये बहुत ही वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, बल्कि काफ़ी लेयर्स हैं इसमें और कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो कैसे डील करता है अपने बेस्ट फ्रेंड और वाइफ के साथ जो हादसा हुआ है उसके बीच में, तो मेरे ख्याल में ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा मेरे लिए। जब तनवीर जी ने मुझे ये रोल सुनाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और चैलेंजिंग लगा, ये काफ़ी शेयर्स हैं इस रोल के, और बिजनेस टाइकून की वाइफ है रिया जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और कैसे वो विक्टिम बन जाती है रेप का अपने ही पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ,
और फिर क्या होता है, कैसे कोर्ट केस होता है, क्या क्या उनके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, वो कैसे कभी टूट जाती है लाइफ में. सो आई थिंक एक परफॉर्मर के हिसाब से काफ़ी कुछ परफॉर्म करने के लिए मेरे लिए है, चैलेंज भी काफ़ी है और कैसे कैसे स्टोरी टर्न होती है हमारी जैसे जैसे चलती है. सो काफ़ी ट्विस्ट, टर्न एंड ट्विस्ट हैं इस मूवी. बहुत सारे हैं और आज तक की जैसे कहा जाता है कि बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा अगर किसी ने प्ले किया तो वो साधना जी ने किया था मेरा साया में, और उसके बाद अगर कहीं हुआ है तो दामिनी में कई हद तक मीनाक्षी शेषाद्री जी ने किया था. तो हम लोग यहाँ पर वो भी एक क्लाइमैक्स में चीज़ पेश कर रहे हैं कि शायद, मैं ये नहीं कहता क्योंकि देवर लेजेंड्स, इवन साधना जी वॉर लेजेंड और मीनाक्षी जी वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, तो हम लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम उस चीज़ को पेश कर सके या हो सकता है उससे थोड़ा बेटर कर सके, तो उस चीज़ पे भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि ऐसा हो अगली बार अगर कोई कहे तो ये ना कहे कम से कम कि वो उस उन दोनों सीनों से ये सीन अच्छा था, मगर एटलीस्ट इतना कहे कि वो मेरा साया का साधना जी और दामिनी की मीनाक्षी शेषाद्री जी से मैच करता है. ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा. और वो बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस है वहाँ पे अभिमन्यु जी का, गुल्लीन जी का, और मैं कोशिश करूँगा कि हम उस सीन को और इस प्रोजेक्ट को उस लेवल तक लेकर जाएं कि एटलीस्ट सब ये याद रखें और एक समाज को नया मैसेज मिले. देखिए, वेब सीरीज के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये तो एक्टर्स के लिए एक बून है, वरदान है, बिकॉज अगर आप सिनेमा में देखो तो बहुत ही कम ओपनिंग्स हैं, रोल्स छोटे हैं. अगर आप मेन लीड्स को निकाल दो, पॉजिटिव नेगेटिव हीरोइन को निकाल दो, तो बाकी किसी के लिए कुछ करने के लिए होता नहीं है. वेब सीरीज़ के आने से मैं एक बहुत अच्छी चीज़ ये नोटिस कर रहा हूँ कि हर एक्टर को अपना टैलेंट प्रूव करने का, दिखाने का एक अच्छा मौका मिलता है, बिकॉज लेंथ काफ़ी है और एक वेब सीरीज़ में एक दो नहीं बल्कि 10 अच्छे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो सबको इक्वली मीटी रोल मिलते हैं. और जैसा कि आपने खुद बोला कि अब तो सारे यंगस्टर्स और सब लोग वेब सीरीज़ ज़्यादा करके देख रहे हैं, आप कहीं भी हो मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हो, तो एक तरह से देखा जाए तो वेब सीरीज़ एक ऐसी लहर चल पड़ी है जिसको रोकना नामुमकिन है. और मुझे तो ये भी डर लगता है कि आगे आने वाले टाइम में छोटी फिल्मों को काफ़ी फ़र्क पड़े इससे, वेब सीरीज़ से, बिकॉज वेब सीरीज़ इवेंचुअली विल कैप्चर द मार्केट. बिकॉज ये मेरी भी पहली वेब सीरीज़ है, इससे पहले मैंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी में काम किया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया मुझे अपना रोल बहुत अच्छा लगा और ये पूरा इतने इस कहानी में टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं कि मतलब तुम खुद खो जाते हो. मैंने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ी है लेकिन मुझे अभी तक मुझे लग रहा है कि दो तीन बार जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं तब तक मुझे ये समझ नहीं आएगा. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद करें. जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी वास्ट हो गया है, तो आपको लगता है कि ये वेब सीरीज लोगों के बीच में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी और अवेयरनेस फैला पाएगी आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से ये कहानी लिखी गई है और अच्छे एक्टर्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात लोगों तक पहुँचेगी तो ज़रूर. सर आपसे जानना चाहेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है और वी हैव बीन स्पीकिंग विथ कपल ऑफ प्लेटफॉर्म्स. मैं भी फिलहाल जब तक एक बार डील डन नहीं हो जाती नाम नहीं लूँगा, बट इट विल बी अ बिग प्लेटफॉर्म क्योंकि हमारे पास स्टार्स अच्छे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, हम उसको अच्छे तरीके से शूट कर रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग रिलीज करेंगे. सर आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज यही होगा कि जब ये वेब सीरीज आए तो आप लोग ज़रूर देखें और इन्जॉय करें, बिकॉज ये बहुत हॉट टॉपिक पे है आजकल रेप केस, जैसे आप सब लोग देख रहे हैं, तो हमने भी उन्हीं में से एक मुद्दा उठाया है कि कैसे एक लड़की रेप का शिकार विक्टिम बन जाती है और फिर क्या क्या उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और वो कैसे बाहर आ पाती है, नहीं आ पाती है. सो आई थिंक ये वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली वेब सीरीज है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.